थर्ड वेव की जो बात की जा रही है और इसमें जो आशंका व्यक्त की गई है कि ओमिक्रॉन जो एक नया वेरिएंट कोविड का आया है यह थर्ड वेव का कारण बनेगा, यह सच है कि ओमिक्रॉन तीव्र संक्रमण है, लेकिन यह भी सच है कि सेकेंड वेव की तुलना में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड 19 का ये काफी कमजोर है। एक सामान्य वायरल फीवर मात्र यह है, लेकिन सतर्कता और सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है और इस मामले में भी सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। घबराने की आवश्यकता नहीं। हम लोगों ने डेल्टा वेरिएंट में देखा था जो मार्च अप्रैल 2021 के अंदर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था, उस समय हम लोगों ने इस चीज को महसूस किया था कि जो लोग इससे संक्रमित होते थे उन्हें रिकवर होने में, नेगेटिव आने में 15 से लेकर के 20 दिन 25 दिन का समय लग जाता था। दूसरा, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। ओमिक्रॉन के मामले में अब तक इस प्रकार की स्थिति नहीं है और वायरस अब कमजोर पड़ चुका है।